नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूज 81 एंटरटेनमेंट में। आइए रुक करते हैं हमारी संवाददाता की खास रिपोर्ट पर। गोयल मथुरा से हूँ, तो मेरा ब्रज की चीज़ों से बहुत बड़ा लगाव है, इसलिए मैं ब्रज कला केंद्र में आप यहाँ खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से ब्रज कला केंद्र की टीम के साथ काम कर रही हूँ। मैं कई वाइस प्रेसिडेंट हैं अपने, उसमें से एक मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरा लगाव इस संस्था से इसलिए ज़्यादा है कि मैं ब्रज से ही बिलोंग करती हूँ। हमारे कई कार्यक्रम होते हैं साल में ब्रज कला केंद्र के, और ये हमारी बड़ी पुरानी संस्था है। 62 में इसकी स्थापना हुई थी और अब तो ये काफ़ी पुरानी होती जा रही है और प्रसिद्ध होती जा रही है, इसकी प्रसिद्धि बहुत है। हमारे 3-4 प्रोग्राम होते हैं, एक राधाष्टमी का प्रोग्राम होता है, एक हमारा ब्रज महोत्सव होता है, एक होली का प्रोग्राम होता है और साल में एक आधा प्रोग्राम और हो जाते हैं। तो आज हमारा रंगारंग होली का प्रोग्राम है, ब्रज की होली का प्रोग्राम है और सभी लोग बड़े आनंद से इसे देखते हैं और इसके लिए एक साल तक इंतज़ार करते हैं कि कब साल पूरा होगा और ब्रज कला केंद्र से इन्वाइट आएगा ब्रज की होली के लिए। मेरा नाम नगेंद्र प्रकाश भार्गव है और मैं मथुरा में जन्मा हूँ। ब्रज भूमि से मेरा लगाव जन्म से है कि ब्रज की एक कला को प्रदर्शन करने के लिए हम लोग ये ब्रज का जो रासरंग का होली का प्रोग्राम है, ख़ास तौर से ब्रज की कला के प्रदर्शन के लिए करते हैं, ताकि लोगों को जो कला जानकारी नहीं है उसकी कला की जानकारी हो। और आज के प्रोग्राम में एक और ख़ास चीज़ हो रही है कि हमारे हाथरस के कवि काका हाथरसी, उनके भी उनकी यादगार में आज हम एक पुरस्कार देने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा कवि सम्मानित किया गया है। तो ब्रज कला केंद्र की सबसे बड़ी महानता, वो सबसे बड़ी महानता ये है कि हमने बहुत कुछ जागरूकता लाए हैं, ब्रज के बारे में जानकारी लाए हैं और अब जो ब्रज धाम में हमारा ऑडिटोरियम बन रहा है वो एक अपने तरह का एक निराला ऑडिटोरियम होगा, जहाँ की हम कल्चर की डेवलपमेंट और भी ज़्यादा कर पाएंगे। हम उर्वशी मित्तल, और इस संस्था में हमें मीरा भाभी जी ने इंट्रोड्यूस किया जब हम दिल्ली में आए। हम आगरा से दिल्ली में आए 10 साल पहले, तो ये भी वो संस्था है। आपको ये बताएं, होली तो हम सभी मनाते हैं,
हम इनरवील से बिलोंग करते हैं। इनरवील ने कल ही होली मनाई, आपने देखा, राजस्थानी एकेडमी, और सारे लोग होली मनाते हैं क्योंकि होली दिवाली भारत के दो प्रसिद्ध त्यौहार हैं। लेकिन ब्रजकला केंद्र की होली में ये खास बात है कि ये ब्रज वालों को रिप्रेजेंट करता हुआ एक एकमात्र फोरम है। मतलब ब्रज और आगरा के लोग कहते हैं ना, ब्रज की होली किसके लिए? राधा कृष्ण के प्रति अपने समर्पण के लिए। तो ये एकमात्र ऐसा मंच है जो ब्रज के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यही इसकी खासियत है। होली तो सभी मनाते हैं, होली फूलों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, राधा कृष्ण के प्रति समर्पण का त्यौहार है। लेकिन यहाँ की एक विशेषता ये है कि ये हर साल अपने से जुड़ने वाले मेंबर्स को सम्मानित करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मेंबर स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, और अगर आप उन्हें रिकॉग्नाइज करें तो मोटिवेशन दुगना हो जाता है। तो इनके विशिष्ट संरक्षक सदस्य और संरक्षक सदस्य, उनका भी ये लोग सम्मान करते हैं, और सम्मान से डेफिनेटली आदमी का जुड़ाव बढ़ता ही है। सम्मान कई लोगों को मिलेगा, उसमें एक हम भी हैं, और जो आपके मीरा जी जो हैं यहाँ पर, ये अति विशिष्ट संरक्षक सदस्य में से हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब ये सम्मान मिलता है। देखिए, आपने इंग्लिश में एक लाइन सुनी होगी, रिकॉग्निशन इज बिगेस्ट मोटिवेशन। और एक चीज़ और है, जब हम किसी भी एनजीओ से जुड़ते हैं तो उसका सबसे बड़ा पंच लाइन ये है, वी आर नॉट इन इट फॉर इनकम, वी आर इन इट फॉर आउटकम। हम यहाँ पर सर्व करने के लिए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से कुछ मनी गेन की उम्मीद कर रहे हैं। तो एक आदमी का जब रिकॉग्निशन होता है तो कहते हैं ना, सम्मान से ज़्यादा आदमी को क्या चाहिए होता है, सम्मान के लिए तो आदमी सर कटा देता है, तो फिर और ज़ोर से काम करने का मन करता है। उसको बढ़ाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। जो ब्रज कला है, जो आज के ज़माने में लुप्त होती जा रही है, लोगों को मालूम नहीं है, जो ब्रज का एक कल्चर है वो बहुत बड़ा अपने आप में महान कल्चर है, तो आजकल ये थोड़ा लुप्त होता जा रहा है। तो इस संस्था के द्वारा, इस एकेडमी के द्वारा एक जिंदा है, और रादर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसमें और भी प्रोग्राम होते थे, जैसे हमने कहा जो सांझी वांझी बनाई जाती थी पहले, तो हमने कहा वो भी करें। तो जो हमारी और भी चीज़ें हैं जिनको हम लोग भूल रहे हैं, उनको भी आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू। और ये जो आगरा की बात कर रही हैं, हमारा काफ़ी बड़ा एरिया ब्रज में आता है, आगरा भी ब्रज में कवर किया जाता है, 84 कोस जो है वो ब्रज में है, तो आगरा भी ब्रज से दूर नहीं है, मथुरा आगरा बिल्कुल बराबर में है, इट इज़ इन द ब्रज। देखिए, हम यही कह रहे हैं, यही फ़र्क है यहाँ की होली और किसी भी और मंच की होली मनाने में। उनके लिए होली सिर्फ एक त्यौहार है जिसे मनाया और भूल गए, ये यहाँ की जो होली मनती है वो ब्रज के कला और उस सबको जिंदा रखने की कोशिश होती है। उसके हमारा जुड़ाव वहाँ से है, तो वहाँ के लिए चाहे ब्रज धाम बने, चाहे जो कुछ भी करें, वहाँ का जिंदा रखने की कोशिश होती है। थैंक यू। ये कार्यक्रम ब्रज कला केंद्र द्वारा अनेक वर्ष से संचालित किया जा रहा है, यहाँ की दिल्ली शाखा करती है। वैसे सन 1962 में ब्रज कला केंद्र की स्थापना हुई थी, सेठ गोविंद दास जी और बड़े बड़े महारथी इसमें थे, और अब ये हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आप कामना करिए कि ये सफल रहे। इसी में काका हाथरसी पुरस्कार समारोह भी होगा, इसी में कुणाल गर्ग ब्रज विभूति सम्मान भी दिया जाएगा। श्री वासुदेव गर्ग जी उस पुरस्कार को देते हैं प्रतिवर्ष, और ब्रज की जो विभूति है सबसे बड़ी, उसको चयन करके यहाँ बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो इस दो चरणों में ये कार्यक्रम होगा, पहले चरण में सम्मान समारोह होगा, और फिर आप देखिए कि ब्रज के रास रंग में क्या सांस्कृतिक छटाएं बिखरेंगी, उनका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। जिन लोगों को पुरस्कार दिए जाने हैं, ब्रज विभूति सम्मान दिया जाएगा श्री कृष्ण कन्हाई जी को, पद्मश्री हैं, जिन्होंने कन्हाई शैली की कला का प्रवर्तन किया, उनके पिता ने उस परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और काका हाथरसी पुरस्कार वर्ष 2017 के लिए श्री तेज नारायण शर्मा को, और सन 2018 के लिए महेश गर्ग बेधड़क को दिया जाएगा। हास्य रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाएगा, उनकी कविताएं भी सुनी जाएंगी। मैं विष्णु प्रकाश गोयल हूँ, ब्रज कला केंद्र दिल्ली मथुरा का समन्वयक हूँ और इसका एक सेवक हूँ। ये देखिए, ब्रज कला केंद्र क्या है? ब्रज कला केंद्र जो है श्री कृष्ण की जन्म और क्रीड़ाओं की स्थली है। उन सब क्रीड़ाओं का, उन रासलीलाओं का मंचन के लिए दिल्ली में एक मंच प्रदान करना ब्रज कला केंद्र का ये उद्देश्य है। कला का, साहित्य का, आर्ट का, हेरिटेज का विकास करना, इसमें हम सतत प्रयत्नशील लगे रहते हैं। इसी के चलते मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। देखते रहिए तब तक हमारे साथ न्यूज 81 एंटरटेनमेंट।